कौन पागल है जो अपनी स्कूटी मेरी पार्किंग में खड़ी करके चला गया यार। हाँ हाँ हटानी है ये। जी बोलिए। बोलिए के बच्चे, तुझे नहीं पता यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है? नहीं मुझे नहीं पता। अरे तो पता होना चाहिए, ये मेरी पार्किंग है। मुझे क्यों पता होना चाहिए भाई? ताकि कल से तू अपनी खटारा स्कूटी ना मेरी पार्किंग में खड़ी ना करे। मेरी स्कूटी? हाँ तेरी स्कूटी। अरे भाई मेरी स्कूटी नहीं है वो, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी शायद, तुम्हें यहाँ गाड़ी पार्क करनी होगी इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और थोड़ी सी है ना तमीज सीख लो किसी से कैसे बात करते हैं। तो तू सिखाएगा तमीज, वो भी हमें? देखो तूने ना हमारी हेल्प किया है और हमें ना आसान लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक काम कर तू ये 500 रुपये रख ले, कुछ खा पी लियो। नहीं चाहिए। अरे रख ले भाई, अब तूने स्कूटी हटाई है और वैसे भी हम तो तुझे तेरी मेहनत के पैसे दे रहे हैं ना। और देख यार हमने ना बचपन से किसी से एहसान कभी लिया नहीं है, तो इसलिए रख ले कुछ खा पी लियो, तेरे काम आ जाएंगे। लगता है पैसों का बहुत घमंड है तुम लोगों में। अब पैसा है तो घमंड तो हो गई ना, तेरी तरह थोड़ी है। पैसे के साथ घमंड होना इसका मतलब ये तुम्हारी कमाई नहीं है, ये तुम्हारे बाप की कमाई है। तुम उन लोगों में से हो जो अपने बाप की कमाई पे पलते हैं। अरे ओए ज्यादा ना जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, चुपचाप ये पैसे पकड़। अगर तुझे ना चाहिए हो ना तो अपनी स्कूटी में तेल डलवा लियो, समझ में आ गई तेरी बात? पकड़ इसको, बहस कर रहा है, चल जाए यहाँ से। पता नहीं यार दिमाग विमाग है नहीं बिल्कुल भी, अपनी स्कूटी खड़ी कर देते हैं यहाँ पे। ये तुम्हारी कार है? हाँ। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो सकती है भाई, तब ये आपकी कार काफी अच्छी है। थैंक यू यार, रियली सॉरी हमने आपको जो भी कुछ बोला। क्या हुआ तुम्हारी तो एकदम से टोन ही बदल गई। ओ लगता है तुमने मेरी गाड़ी देख के मेरी औकात का अंदाज़ा लगा लिया हुआ है ना? प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ऐसे बिना सोचे समझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और नहीं ऐसा कुछ बोलना चाहिए था। बिना सोचे समझे नहीं, तुम्हें ना अपने से नीचे वाले लोगों को नीचा दिखाने में मज़ा आता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना अगर तुम अपने आप को शेर समझते हो ना तो हर शेर के लिए एक सवा शेर होता है, और आगे से बिना सोचे समझे किसी को जज मत करना, और ये पैसे इन पे तब घमंड दिखाना जब खुद की कमाई के हो, बाप की कमाई पे घमंड मत दिखाना।